एआई एमएम से काफ़ी एक्टिवली जुड़े हैं और आपके अपने दामाद बहादुरगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं और विधायक भी 15 साल से हैं, तो एक बहादुरगंज की अगर आप बात करें, वहाँ आप क्या चाहेंगे कि एआईएमएम जीते या आपके दामाद जीते? अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग नए नए एमआईएम में जुटे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में, और मौका मिला हमको इलेक्शन लड़ने का एमआईएम से, तो हम अपनी बात ही करते हैं। अभी हम लोग दूसरा तीसरा चौथा तरफ देखने का हम लोगों को वक्त भी नहीं मिलता है, मुनासिब भी नहीं समझते हैं। अपने जीतने के लिए लोगों से कांटेक्ट बना के रहते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं तो रात में 12-1 बजे लौटते हैं घर। ये दोनों विधानसभा क्योंकि सटा हुआ है तो आसपास का थोड़ा असर तो पड़ता ही है, बाउंड्री दोनों विधानसभा का टच करता है? नहीं, टच करता है तो ये बात लोगों को पूछिए कि वहाँ के लोगों का क्या एक्टिविटीज है, क्या सोचते हैं। हम तो अभी अपना मेहनत करते हैं कि हमको अवैसी साहब हैदराबाद से आकर के टिकट देने का काम किए हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि अपना मेहनत को हम जारी रखें और लोगों से जिस तरह से भी हो वोट लेकर के हम पार्टी को कामयाबी दिलाएं और विधानसभा पहुंचे हम लोग।